हर हर महादेव। फिर एक नई सुबह के साथ आज तीसरी एक जगह का नाम है झारखंड है, बेरीडी जिला में पड़ता है तीसरी, यहीं पे एक विद्यालय है और ये पूरा घाटी में है तीसरी, पूरा घाटी नीचे ऊपर पूरा करते हुए तीसरी जगह पे आए हैं। थोड़ा पहाड़ी एरिया जंगली एरिया है, लेकिन पिछला बहुत दिन से जो चल रहे हैं 2-4 दिन से, तो ये सबसे बड़ा बाजार है तीसरी। और यहीं के एक स्कूल में रात्रि विश्राम किए थे हम लोग, तो यहीं का स्कूल आपको दिखलाते हैं। विपिन बाबू ही ढूंढे थे जगह, रोज तो यही ढूंढते हैं। और यहाँ का आदमी बहुत बढ़िया था, सारा व्यवस्था लगा दिया। जय हो। तो यही गाड़ी यही रथ है हम लोग का, जो सब सामान वगैरह सब इसी में सेट होके जाता है इधर, जैसे कि ये सब बैग वगैरह है, उधर राशन पानी है, तो सब कुछ इसी में है। और हम लोग सोए थे यहाँ पे, अब निकलने का हर महादेव जय। बोलिए बम बम ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। बोलिए गंगा महारानी की जय। काशी विश्वनाथ की जय। तो यहाँ पे हम लोग सोए थे इस जगह पे, और यहाँ पे खाना बना था इस जगह पे, और भोजन किए थे बाहर में, भोजन वगैरह बाहर में किए थे। यहाँ पे अभी चाय बना के पी लिए। यही स्थान है, यहाँ पे सब सुविधा है, पानी वगैरह का सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अभी निकल रहे हैं झंडू अच्छा लोग, अब हम भी निकलते हैं, वीडियो को रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अब प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ से निकल रहे हैं तीसरी से, अब चतरों की ओर बढ़ रहे हैं, चतरों से आज आगे बढ़ना है तीसरी से, चतरों से आगे, और कल चकाई पार कर जाना है। यही पीछे में स्कूल है, यहाँ से निकलेंगे। विपिन पीछे से आएगा, यही रोड है, ये रोड से जाएंगे। और इस स्कूल में हम लोग रुके हुए थे, रात्रि विश्राम यहीं हुआ था। और इधर जो है आगे बाजार है, तीसरी बाजार, पूरा जंगल में है। जीजाजी लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अभी फिलहाल रखते हैं, आगे मिलते हैं आप लोग से। हर हर महादेव। सुबह सुबह का नजारा, जंगल पहाड़ होते हुए शुरू में उत्तराखंड पहाड़ और छोटा उत्तराखंड झारखंड, पहाड़ पर्वत नांगते हुए। कल से ही बहुत सारा घाटी पार किए, पूरा जंगल इलाका पार कर रहे हैं, एकदम शांति, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल पहाड़ यही सब है, पठार चारों बगल, जंगल होते हुए निकल रहे हैं। इस जंगल में सब कुछ है, चीता, हाथी, हिरन, हर कुछ है इस जंगल में।
अकेला है, जल्दी पार करना पड़ेगा। बीच बीच में एक एक गाड़ी आती है, ज़्यादा गाड़ी इधर नहीं चलती है। पूरा जंगल एरिया है, दूर दूर तक कुछ नहीं इधर मिलता है, जंगल ही जंगल है। हर हर महादेव। तो आगे बढ़ते हैं, इधर अकेला चलना सेफ नहीं है, हर चीज का डर है। हर चीज इधर हो सकता है, सेफ नहीं है। और हाथी वगैरह का भी डर रहता है इधर, हाथी घूमते रहता है इधर। चल रहा है बाबा का है डोली, बाबा का कामर है। तो प्रिय घटना ऐसे कभी नहीं हुई है। चल रहे हैं, इधर कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं। पूरा पहाड़ एरिया है, पहाड़ी एरिया है। चलिए आगे चलते हैं, पूरा जंगल एरिया है, दूर दूर तक जंगल ही जंगल है इधर, और ऊपर नीचे घाटी ही घाटी, और दूर दूर तक जंगल, जंगल ही जंगल है। हर हर महादेव। तो यहाँ पे जो है हम लोग जंगल से पार हो रहे हैं। लेकिन गाना से हर हर महादेव। तो अब विपिन जी भी आ गए हैं गाड़ी लेके, पीछे देख सकते हैं गाड़ी। तो विपिन जी भी आ गए हैं, और आज क्या होगा विपिन जी? आज हम लोग अब यहाँ से देवरी जाएंगे, और देवरी में कुछ फलाल उलाल का व्यवस्था करेंगे हम जाके, और उनके बाद आज चतरो पहुँच जाएंगे, चतरो में रात में काम होगा। कल चढ़ के परसों हम लोग बाबा बैद्यनाथ की नगरी में रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। सब गौमुख गंगोत्री से कांवड़ लेके आज कम से कम तो 2.5 महीना हो चुका है, और जिनमें कि आज 2 से 3 दिन में हम लोग देवघर में रहेंगे। तो इसीलिए अब लास्ट समय बचा हुआ है, आप भैया का चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको देखें, क्योंकि इसमें जितना ही वीडियो डला हुआ है सिर्फ गंगोत्री से बाबा बैद्यनाथ का रास्ता का ही डला हुआ है, और धर्म का डला हुआ है। ये इसको आप देखें, और यदि आपको यात्रा भी करना हो तो भैया का चैनल का माध्यम से आप यात्रा को भी पूरा कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो यहाँ पे गाड़ी है हमारी, अब यहाँ से उठाते हैं कामर और निकलते हैं। हर हर महादेव। आगे मिलते हैं। हर हर महादेव। तो पीछे पीछे हमारी गाड़ी आ रही है विपिन, और हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा जंगल एरिया है, हमको लगता है विपिन इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है गाड़ी लेते हुए। पीछे पीछे गाड़ी आ रही है और हम चल रहे हैं। अब आगे बोल देते हैं बढ़ने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। अब हम रथ लेके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। आइए हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो रथ हमारी आगे बढ़ चुकी है, बहुत देर साथ में चला पीछे पीछे, आगे बस्ती है इसलिए विपिन आगे बढ़ रहा है। आगे मिलते हैं आप लोग से, अभी चलना है, सुबह का टाइम है, सुबह ही मेन खिंचाता है।
शरीर में एनर्जी होता है, शाम होते होते एनर्जी ख़त्म हो जाता है, शाम में एकदम अकबक अकबक किसी तरह चलते हैं। तो अभी फिलहाल रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। हर महादेव। तो अभी जंगल से गुजर रहे हैं, सखुआ का बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है पूरा। जंगल घाटी, जंगल जंगल घाटी, यही है कि बीच बीच में एक छोटा छोटा गांव, उसके बाद चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। दूर झंटुआ चा चढ़ रहे हैं, ये चढ़ाट है, ये घाटी है, झंटुआ चा जा रहे हैं। देखिए हर महादेव। पूरा जंगल वगैरह से गुजर रहे हैं, बहुत शांति है इधर, एकदम शांत। चिड़िया वगैरह का, पक्षी वगैरह का एकदम आवाज बहुत अच्छा लगता है। शांति एरिया से जा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत है कि रोड गाड़ी के लिए तो सही है, पैदल के लिए सही नहीं है, नंगे पांव के लिए। और दूसरी बात है, पूरा घाटी है, नीचे ऊपर बहुत चढ़ना पड़ता है, लेकिन मन लग रहा है इधर जाने में। हर हर महादेव। चाचा बाबू के पास पहुंच गए हैं। हर हर महादेव। पांच यहां बस्ते वगैरह रख रहे। ओके। तो अभी 1 किलोमीटर और चलना, फिर 10 मिनट के लिए विश्राम करना है, फिर आगे बढ़ना। हर महादेव। बसो देवघर। बस एनर्जी देते रहे भगवान, परसों देवघर पहुंच जाए। हर हर महादेव। फिर यात्रा संपन्न होगा जल चढ़ा के। अद्भुत रहेगा वो पल, बता नहीं सकते। इतना दिन से चलते चलते फाइनली बाबा के दरबार में पहुंचेंगे, और वो आनंद जो मिलेगा अद्भुत, पता नहीं। हर हर महादेव करके सभी कमेंट में लिखे, बाबा शेयर कर दे। बोल बम बोल बम बम। आप की धुतिया है ना बाबा? हाँ। ए बाबा, गरीब को दान करते करना बाबा। ए बाबा, ए दान करने के फायदा मिलेगा। हर हर महादेव। महादेव। तो विपिन यहाँ पे गाड़ी लगा दिया है, अब यहाँ पे फल वगैरह ग्रहण करेंगे, आधा घंटा रेस्ट करेंगे, फिर चलना चालू करेंगे। हर हर महादेव। तो यहाँ पे थोड़ा फलार वगैरह करके, फल वगैरह खा के फिर आगे की ओर निकलेंगे, फिर जो है चलते रहेंगे। हर हर महादेव। जय बाबा भगवान। हर महादेव। तो फलार वगैरह कर लिए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। कांवर यहाँ पे है, अब यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। हर हर महादेव। जय बाबा विद्यनाथ की जय। हर हर महादेव। तो अभी चलते चलते मिल गए एक पुजेरी सेवक, भगवान का सेवक, बजरंगबली मंदिर में। इस जगह का नाम क्या है? फतेहपुर मोड़। फतेहपुर मोड़। और यहाँ पे ये जरा बोल आग्रह करने लगे कि दूध और पेड़ा वगैरह का सेवन थोड़ा सा कर लीजिए,
तब आगे बढ़िए। नमस्कार, अभी रोके थोड़ा रखिए महाराज। वही वो लोग आगे बढ़ गए ना। अच्छा, हाँ, फोन करके उनको रोकने के लिए। हर हर महाराज, थोड़ा रुक जाइए। हर हर, इतना चाय अगर जल्दी बनाएंगे। हाँ, और डिस्पोजल कप होगा ना, हाँ। वो दूसरे का बर्तन में नहीं लेंगे। है मेरे पास, मेरे पास बर्तन है। हाँ ठीक, इसका तो यहाँ पे बहुत आग्रह करने लगे। अभी जस्ट फलार वगैरह किए हुए थे। हाँ यार ठीक है, रसिया सरकार के नजदीक है, थोड़ा बल मिले उतना दून से। हर हर महादेव। सब कोई ये गिलास में पानी नहीं पियेंगे। तो अभी पेड़ा वगैरह लाके सब कोई, सब भगवान भोग में लगेगा, सब कोई यहाँ पे देने लगे। यहाँ रसिया सरकार के शरण में अब पेड़ा जरा ग्रहण करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। यहाँ हमारे बड़े महाराज जी अयोध्या जी के, बड़े महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ प्राण प्रतिष्ठा में। उनका नाम नृत्य गोपाल दास जी महाराज। अच्छा, और ये कटहल का पेड़ से हर जगह का भोग लगा है चारों धाम में। हाँ, चारों धाम जगन्नाथपुरी भेजे गए। हाँ, 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 एकदम। और इसमें कांवर हर साल, ऐसे 30 साल से कांवर इसी पर लगता है। वाह वाह, और मेरा भी सौभाग्य हुआ कि यहाँ पे कांवर रखे। हर जगह तो रखते ही हैं यहाँ वहाँ, तो आज इन लोग के यहाँ निकट रखे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस जगह पे सनातन धर्म का जो है मतलब भाव और अपना श्रद्धा, उस जगह पे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठे हैं, अब देखते हैं चाय बनवा रहे हैं, चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव। महाराज जी, चाय वगैरह पी के यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलके, काफ़ी अच्छा लगा। और सब कोई तुलसी माला धारण किए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा इन लोग से मिलके। हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। तो हम लोग चतरो पहुंच गए हैं। चतरो से और 5 किलोमीटर आगे चलना है, 5-6 किलोमीटर। यहाँ इसमें दिख रहा है देवघर 60, एक्चुअली में है नहीं 60, से कम होगा 55-56 होगा। यहाँ से चकाई 21 है, जमुआ 18, दुमका 125, गिरिडीह 53। तो हम लोग को ये रास्ता नहीं, सीधा ही जाना है। देवघर सीधा दिखला रहा है, सीधा जाना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं पहले। आगे और 6 किलोमीटर हमको चलना है। यहाँ से थक चुके हैं, काफ़ी चल चुके हैं सुबह से। अब यहाँ से 6 किलोमीटर और खींचना है किसी तरह। आगे मिलते हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। चतरो मार्केट तो बड़ा लग रहा है, बहुत सारा दुकान वगैरह है, बड़ा मार्केट है चतरो। यहाँ से निकल रहे हैं बाबा की नगरी की ओर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अब जो है शाम होने वाला है, और हम लोग को यहाँ से चलना है लगभग 3 किलोमीटर। लगभग क्या, 3 किलोमीटर चलना ही है। झंडी राजा को बोल दिए 2.5 किलोमीटर, क्योंकि वो थोड़ा डैमेज है, थोड़ा मैनेज करके आगे बढ़ना है। बहुत ही दिक्कत होती है चलने में, थोड़ा छुपाना पड़ता है, क्या करें, कांवर ले जाना है, नहीं तो सिर्फ सुन के नहीं जा पाएंगे। इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर, थोड़ा तो जैसे कल हम लोग चले थे
झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें, उनका भी कांवर ले जाना है। तो कल हम लोग चले थे लगभग 28-29 किलोमीटर, उनको बताएं 25 किलोमीटर, 25.5। और रास्ते में भी इसी तरह चलता है, रास्ते में वो अगर 8 किलोमीटर चलेंगे तो बोलेंगे 6 किलोमीटर चलेंगे, 10 या 6.5 किलोमीटर तभी मैनेज हो पाता है, नहीं तो वो चल नहीं। साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होती है जरा पास, अगर कम बता देने से, ज़्यादा बताने से फिर बोले इतना चल चुके हैं अब नहीं चल पाएंगे, इसी तरह होता है। हालांकि पैर में तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पहले हम मेरा था अभी भी है, लेकिन एक पैर में प्रॉब्लम होता है कि विशेष बहुत ज़्यादा दर्द, आप पैर नहीं रख पाते हो और इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और उसमें मनोबल एक प्रकार से ये है कि आप बहुत कम चले हैं अभी, तब उनके मन में भी होता नहीं, इतना तो रेंज पुराना ही है, उनके मन में रहता है कि 25 किलोमीटर चले बस हो गया, अब नहीं चलना है, इससे ज़्यादा अगर चलेंगे तो हम डैमेज हो जाएंगे। तो चल रहा है, प्रॉब्लम है, लेकिन उतना प्रॉब्लम पूरा रास्ता में ही रहेगा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होने से फिर हम लोग वैसे नहीं करते, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कोई नहीं, जो चलने का है उतना ही है, तो किसी तरह 2 दिन चलाना है इस तरह, ज़्यादा दिन से नहीं कर रहे हैं ये चीज़, आप लोग को बता दिए कि अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिन से ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, 3 दिन से उनसे छुपा रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर पर डे, जो आप इतना ही चले हैं, रास्ते से शुरू हो जाते हैं कम करना। तो अभी जैसे आज चले हैं, आज हम लोग चलेंगे 30 किलोमीटर, लेकिन उनको बताएं हम आप 27 किलोमीटर ही चले हैं, 27-28 किलोमीटर आज चलेंगे, 27-28 किलोमीटर। तो इससे क्या होगा कि वो सोचेंगे 2 किलोमीटर ही ज़्यादा चले हैं, इससे ज़्यादा नहीं चले हैं। चलिए फिर, वो लोग बढ़ चुके हैं, अब अंधेरा होने वाला है, अब कांवर उठाते हैं और चलते हैं आगे। हर हर महादेव। थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक कीजिए, और हर हर महादेव करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओम प्रकाश बाबू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद यात्रा में सहयोग करके, बहुत और बहुत भेज दिए, इतना बहुत भेज दिए, और धन्यवाद आपका जो यात्रा में सहयोग किए। और हम लोग जो है परसों देवघर पहुंच जाएंगे और 10 तारीख को जल चढ़ाएंगे, 9 तारीख को पहुंचेंगे शाम में और 10 तारीख को जल चढ़ाएंगे, और आपके नाम गोत्र से भी चढ़ाएंगे। तो गोत्र सिर्फ जो है, और जिनके नाम से भी चढ़ेगा उनका नाम गोत्र भेज दीजिएगा। तो ये कांवर वाला जल जो है उन्हीं के नाम से चढ़ाएंगे। और फिर से धन्यवाद करते हैं, हर हर महादेव बोलबम अभी चल रहे हैं, बोलबम हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फिर बिहार इंटर कर रहे हैं, ये अब जो है जमुई जिला में प्रवेश करेंगे, झारखंड छोड़ के, ये झारखंड था अब बिहार, बिहार में प्रवेश करेंगे। ये जमुई जिला में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और फिर जो है कल शाम तक या परसों सुबह तक जो है झारखंड में एंट्री होंगे। फिर कल जो है झारखंड में एंट्री होंगे, कल शाम या परसों सुबह। तो अभी फिर से बिहार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं,
आज फिर रात्रि जो विश्राम रहेगा वो बिहार में रहेगा। इधर दो दिन झारखंड में रहे, अब फिर से बिहार में और फिर झारखंड। तो इस बार जो झारखंड जाएंगे सीधा देवघर जिला जाएंगे। तो हर हर महादेव, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ डेरा है। यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग में है, ज़्यादा दूरी नहीं है। आगे आगे जिया जी झंडिया चा जा रहा है। हर हर महादेव। तो बड़े भाई लोग जो है, हम लोग के बड़े भाई अभी जाते वक्त भी मिले थे और गया गए थे, और गया से वापस आने के बाद भी मिलते हुए बहुत आनंद लगा। और शरीर में महादेव, शरीर में और एनर्जी आ गया पहुंचने का, मतलब आशीर्वाद पाके इन लोग का। जय गणेश, जय गणेश, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थोड़ा अंधेरा है और आज भोग बन रहा है। भोग में जो है दाल चावल, गोभी का सब्जी, सिर्फ गोभी, और तस्मे और करेला। ये तस्मे बन रहा है, यहाँ दाल बन के तैयार है कुकर में, उधर गोभी बन गया है और करेला इसमें है, और यहाँ पे तस्मे, अभी चावल इसमें चढ़ेगा। तस्मे यहाँ पे तैयार हो रहा है। चावल कम डल गया बाबू इसमें, तस्मे में चावल कम डल गया। वो नहीं होगा। जीजा जी वहाँ बैठे हुए हैं। हर हर महादेव। अभी रखते हैं, थोड़ा तस्मे बना रहे हैं, तस्मे बनाते हैं आराम से, उसके बाद मिलते हैं, फिर आरती में मिलते हैं। हर हर महादेव। अभी जो है आरती का टाइम हो गया है, विश्राम हम लोग का जगह मिल गया है, और विपिन के मौसा जी ही ये जगह ढूंढे हुए हैं, अभी आए हुए हैं। देखिए विपिन और विपिन के मौसा जी और भाई मौसेरा भाई, जरा नाम बताएंगे। प्रवीण कुमार पांडे, नरेश पांडे। आप लोग का घर यहीं? घर सिमरिया है। समय सिमरिया, बस मेन रोड है। अच्छा, ये सौरन है ये जगह का नाम? सरन, सरन, सरन सिल खारी पर। सौरन, सौरन, तो ये जगह का नाम सौरन है। और आए, बहुत अच्छा लगा। अब साथ में भोग प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे। अभी आरती का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। भवानी सहितं नमामि। भगवान् नाथाय शाम्ब सदा शिवाय नमः।